एक महीने में 14 घरन जी पक। जी हाँ, एक महीने में 14 घरन जी पक रिश्तो.com जे पारा। जे तवां के भी पेंजे बारन जे लाए मैचिंग घर खपन त अजी कांटेक्ट कयो रिश्तो.com। सिंधिन जो सिंधिन सा ऑनलाइन सिंधी मैट्रिमोनी। नमस्कार, मैं राजेश दलवानी, आप देख रहे उल्लास लाइन बुलेटिन। शहर की ताजा खबरें देखने के लिए हमारे न्यूज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। उल्लासनगर कैंप 2 स्थित गोल मैदान के विकास कार्यों में हो रही देरी को लेकर मनपा आयुक्त के कार्य प्रणाली पर उंगलियां उठ रही हैं। उल्लासनगर मनपा के पैनल नंबर 5 में गोल मैदान आता है और इसी पैनल की नगर सेविका गीता साधनानी जी है, जो मनपा में स्पोर्ट्स चेयरमैन भी है। नगर सेविका साधनानी जी की तरफ से मनपा आयुक्त से गोल मैदान के विकास कार्यों के लिए पत्र व्यवहार किया गया, पर कोई भी विकास कार्य को मंजूरी नहीं मिली है। वहीं अब नगर सेविका गीता साधनानी जी के सुपुत्र मनोज साधनानी ने इन विकास कार्यों में हो रही देरी के चलते कई आरोप किए हैं। 6 महीना पहले महापौर जी से लीलाबाई आशान, हमारी महापौर मैडम है, उनसे और हमारा बैठ के डिस्कस हुआ था कि ये डोगोल मैदान बनाने के लिए, डेवलप करने के लिए, स्पोर्ट्स का ग्राउंड है ये बच्चों का। तो उस वक्त महापौर जी ने बजट में ये प्रोविज़न रखा गया था कि इस ग्राउंड को हम बनाए। इस बनाने के बाद महापौर ने, उप महापौर ने और स्पोर्ट्स सभापति, ये पैनल 5 की नगर सेविका गीता साधनानी ने मिलकर एक पत्र व्यवहार किया था कमिश्नर साहब को कि ये ग्राउंड हमको बनाना है, और कमिश्नर साहब ने उनको मंजूरी दी। मंजूरी देने के बाद PWD से यहाँ पे हमने उनकी एस्टीमेट बनाकर और आयुक्त, उपायुक्त और सब लोग ने मिलकर सहयोग दिया और ये इसको मंजूरी देने के बाद उसमें बजट भी कट किया गया है ये ग्राउंड बनाने के लिए है। और इस ग्राउंड को बनाने के लिए भगवंती नावानी स्टेज है उनको भी बनाना है, वार्ड ऑफिस है इनको भी बनाना है, यहाँ पे एक टाकी है उनको बनाना है, ये ग्राउंड पूरा डेवलप करना है। यहाँ पे हाई मास्क लाइट लगनी है, जैसे स्टेडियम में लगती है वैसे है, यहाँ पे हर प्रकार के सभा होते हैं। इसके बाद कमिश्नर साहब ने उनके ऊपर कि हमको एक कंसल्टेंट अपॉइंट करना है, इसमें एक कंसल्टेंट अपॉइंट करने के बाद 2 महीने उसमें चले गए, हमारे कंसल्टेंट अपॉइंट किए, उसके 2% उनकी जो फीस रहती है ऑफिशियल कॉरपोरेशन की तरफ से उनको अपॉइंट किया गया है, बजट कट किया गया है। इसके बाद अभी हमारी फाइनल स्टेज पे कमिश्नर साहब के टेबल पे ये फाइल पड़ा हुआ है। कई दिनों से कमिश्नर साहब से हम टाइम मांग रहे हैं, कमिश्नर साहब को टाइम नहीं है मिलने के लिए, नई पत्रकार को मिलते, नई लीडर को मिलते। और ये उल्लासनगर का हार्ट ऑफ सिटी एक ग्राउंड है, गोल मैदान, जिसको गोल मैदान बोलते हैं, यहाँ पे बच्चे खेलते हैं। आज 3-4 सालों से मैं देख रहा हूँ इसकी खस्ता हालत हो चुकी है, यहाँ पे 2 मर्डर हो चुके हैं। कमिश्नर साहब आप जरा इन पर ध्यान दीजिए, उन पर मैं विटनेस मैं हूँ, मेरे सामने एक मर्डर हो चुका है, उसमें मैं विटनेस में खड़ा हूँ मर्डर में। और ये कमिश्नर साहब यहाँ पे CC फुटेज लगना है, ये ग्राउंड बनाना है हमको, आपने इस फाइल को क्यों रोका है? शहर में 2 ग्राउंड बचे हुए हैं, एक VTC ग्राउंड बचा हुआ है, जहाँ पे VTC ग्राउंड पे आज मिनी स्टेडियम बन रहा है, और ये गोल मैदान दूसरा है जो सबसे पुराना गोल मैदान है, यहाँ पे काम नहीं हो रहा है। ऐसे व्यवहार, दुगुना व्यवहार क्यों हो रहा है गोल मैदान के साथ? क्यों यहाँ के गोल मैदान के रहवासी यहाँ पे टैक्स नहीं भरते हैं क्या? आप ऐसे क्यों कर रहे हो? इतने दिनों से ये फाइल आपके रोक के क्यों रखा है? आपको मंजूर करना है तो कीजिए, नहीं मंजूर करना आप रद्द कीजिए। अगर शहर के अंदर ऐसे हार्ट ऑफ सिटी आप नहीं बना रहे हो तो गली गुच्चे बना के, नालियाँ बना के आपको क्या मिलना है? शहर के अच्छे जितने ग्राउंड से, रोड के बड़े बड़े रोड से, उनको बनाइए, अपना नाम कमाइए। ऐसे रोकने से कुछ नहीं होने वाला है। आज हम 3-4 महीने से आपके पास आ रहे हैं, धक्के खा रहे हैं, हम आपको हाथ पैर जोड़ रहे हैं, हमने आपको रास्ते पे मिलकर आपको रिक्वेस्ट की है, साहब ये हमारा फाइल पड़ा हुआ उसको मंजूरी दीजिए, आप ऐसे क्यों कर रहे हो मुझे बताइए? ऐसे ये नाराज़गी, हमारी नाराज़गी है कमिश्नर साहब से, बहुत दिनों से हमारा फाइल रोक के रखा है, मेरा नहीं, शहर के बहुत लोगों का इन्होंने फाइल रोक के रखा है। रोका क्यों है? जब आपने मंजूरी दी है उस पर, आपने बजट कट किया, फिर रोकने का कारण क्या है इसके पीछे? यही मेरी रिक्वेस्ट है कमिश्नर साहब को, जल्द से जल्द ये अपना फाइल क्लियर करना चाहिए, और शहर के जितने भी हार्ट ऑफ सिटी के फाइल आपके पास पड़े हुए सब रिलीज़ करना चाहिए। अगर ये फाइल अगर आपने रिलीज़ नहीं किया किसी का भी, तो हमारा बहुत बड़ा आंदोलन होगा यहाँ पे महानगर पालिका के बाहर कमिश्नर के खिलाफ। मनोज साधनानी द्वारा किए गए आरोपों पर उल्लासनगर मनपा के जनसंपर्क अधिकारी युवराज बदाने ने क्या कहा, आइए वह भी जानते हैं। देखिए, आप सबसे पहले तो ये विषय जो भी कुछ है, श्रीमती गीता साधनानी मैडम सभापति महोदया, उन्होंने खुद रखना चाहिए था। यहाँ पे आप जिसका जिक्र कर रहे हैं श्री जी मनोज जी साधनानी, ये कोई महानगर पालिका के सदस्य नहीं है। ये उन्होंने यदि माननीय सभापति मोदी जी का लेटर देसी पत्र व्यवहार किया है, तो शहर में
माननीय आयुक्त महोदय डॉक्टर राजा दयानिधि, इन्होंने आज तक करीबन विकास कामों के लिए जब एक साल के अंदर काफ़ी पैगामे में प्रकलन मंजूर किए हैं, यानी एस्टिमेट मंजूर किए हैं करीबन 160 करोड़ तक। ये कोई छोटी बात नहीं है। आज तक लास्ट 10 आयुक्त महोदय जी का इतिहास देखेंगे तो सबसे ज़्यादा प्रकलन और विकास कामों के जो नस्तिया है, संचिका है, आयुक्त महोदय डॉक्टर राजा दयानिधि, इन्होंने यहाँ पे मंजूरी दिए और साइन किए। रही गोल मैदान विकास की बात, वहाँ पे समस्याएं ज़रूर है, हो सकती है, लेकिन वो अलग अलग बातें हैं। जैसे इनके बैड में अभी मालूम हुआ है टांकी वाटर सप्लाई से रिलेटेड है, सीसीटीवी फुटेज कैमरे, ये CFC नागरिक सुविधा केंद्र प्रोग्राम से रिलेटेड है, वहाँ पे गार्डन्स का जो अंदर का काम है या कोई उस पर ग्रास लगाना है वो सार्वजनिक बांधकाम विभाग की तरफ से होने वाला काम है, वो अलग सब्जेक्ट है या उसका डिपार्टमेंट अलग है। रही हेमाश की बात, इन्होंने हेमाश भी बोला है उधर, तो हेमाश का जो सब्जेक्ट है वो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से रिलेटेड है। तो अलग अलग डिपार्टमेंट से रिलेटेड होने की वजह से आयुक्त मोदी जी ने उनके ऊपर एक कंसल्टेंसी का जो प्रस्ताव बोला है, उचित प्रस्ताव है, आयुक्त महोदय IAS ऑफिसर है, वो उन्होंने उचित तरह से निर्णय लिया है, तो इसमें कोई ऐसी गलत बात यहाँ पे दिखाई नहीं देती है ना है। तो इनका जो कहना है श्री साधना जी मनोज, वो अर्थहीन और बेबुनियाद है, ऐसा मैं प्रशासन की तरफ से बोल रहा हूँ। उनका ये भी कहना था कि हम कई बार आयुक्त से मिले हैं, रोड पे भी उनसे बात की, कैबिन में भी जाके मिले, पर कुछ रिप्लाई नहीं मिल रहा है, फाइन पर सिग्नेचर नहीं कर रहे, क्या है ये पूरा? ये आज तक तो आपको सबको पता है, सभी सम्माननीय सदस्यों का एक भी काम आयुक्त महोदय जी ने आज तक रोका नहीं है। सभी सम्माननीय महोदय और सभी पदाधिकारी माननीय आयुक्त महोदय जी के कार्य प्रणाली में बहुत ही बहुत ही बहुत ही खुश है। उनका ये भी कहना था कि बजट में भी ये आया है, कंसल्टेंट अपॉइंट भी करने वाले हैं, ऐसा भी वो कह रहे थे, फिर ये कहाँ पर ये रुक रहा है, ये काम क्या है, ये पूरा ये आरोप उन्होंने लगाया महाबाली के कमिश्नर के ऊपर। देखिए, आपका जो बुलेटिन चैनल है उसके माध्यम के द्वारा जरिए मैं पुनः शहरवासियों से उल्लासनगर महानगर पालिका की तरफ से अपनी बाजू रखना चाहता हूँ कि हमारा बजट प्रावधान जितना है वो भी देखना चाहिए। बजट यहाँ पे कितनी है, इनकम कितनी है यहाँ पे और खर्चा कितना है, ये भी देखा जाता है बजट में। बजट का मीनिंग ही वही होता है। तो अभी मैंने बताया करीबन 160 करोड़ तक विकास काम के काम इस साल में आयुक्त मोदी जी ने प्राकलन के द्वारा मंजूर किए हैं। तो इस काम बड़ा काम है, गोल मैदान परिसर बड़ा है, तो एक एक काम करके ये काम हो सकता है। इसमें एक ही काम, सभी काम एक साथ में होने की तो बिल्कुल संभावना नहीं है, डिपार्टमेंट्स अलग अलग है। तो ये लोक प्रतिनिधि महोदय ने दोए और जनता, इन्होंने समझ लेना चाहिए। यहाँ पे अभी दिवाली का पीरियड आया है, यह है हमारे कर्मियों को अभी सानुग्रह अनुदान देने की एक बात चल रही है। उस परिस्थिति में जितना विकास काम करना है तो उस परिस्थिति में यहाँ पे इनकम जो है, इनकम के सोर्स बढ़ाने की भी कोशिश होनी चाहिए। जो बकाया है, समझो कि टैक्स है, वाटर बिल है, प्रॉपर्टी टैक्स है या कुछ प्रॉपर्टी का भाड़ा है, वो भी जनता ने और संबंधित व्यक्तियों ने समय पे भरना चाहिए, महानगर पालिका को सहकार्य करना चाहिए। इनकम आएगी तो खर्चा होगा, ये साधारण सा उदाहरण है। तो ये आयुक्त महोदय जी के ऊपर लगाए हुए जो आरोप है, ये प्रशासन की तरफ से मैं उसको बेबुनियाद समझता हूँ। धन्यवाद। उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर।